सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई आज की राइड है हमारी कहाँ से? गुड़गांव से भाई नैनीताल। मैं और हमारा एवरग्रीन बंदा रोहित वर्मा वो जा रहे हैं भाई अपनी अपनी बाइक से। सो ये बाइक पहली हमारी पहाड़ों की बाइक राइड होने वाली है और जा रहे हैं भाई नैनीताल। और अभी हो गया है टाइम अराउंड 5:30, आधे घंटे में सब पैक्ड है। रात ही सब कुछ पैकिंग कर ली थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई बैग पूरा फुल ठुस गया है। और अभी दिखाते हैं मैं बाइक का ऑडोमीटर, जीरो में ट्रिप करते हैं। पेट्रोल फुल हो गया था, सारी चीज़ रेडी कर ली थी रात ही, बस अब ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। बीच बीच में मिलते रहेंगे आपको, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर मिलेंगे और जहाँ जहाँ हम ब्रेक्स लेंगे। और आज का प्लान ये है कि आज हम आराम से नैनीताल पहुँच जाएँ, रूम ले लें और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि क्या क्या हमें एक्सप्लोर करने को मिलेगा। पहले भी जा चुके हैं बट पहले व्लॉग नहीं करता था मैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं नैनीताल मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, बाइक को मैंने कोल्ड स्टार्ट पे लगा दिया है और भाई ओडोमीटर देख रहे हो 8075 अभी ओडोमीटर दिखा रहा है। अब मैं इसको ट्रिप वन पे कर देता हूँ, ट्रिप वन में कर देता हूँ भाई जीरो। ठीक है भाई, ट्रिप वन जीरो हो चुकी है और कैलकुलेट करेंगे कितनी देर में हम कहाँ पहुँच गए हैं, नैनीताल हमारा कितना किलोमीटर एग्जैक्ट पड़ता है यहाँ से। सो भाई ये है हमारा इंडिया गेट, अब यहाँ से निकलते हैं। कितनी बढ़िया लग रही है यार, एक नंबर का व्यू आ रहा है यहाँ से। सो भाई पहला ब्रेक हमारा चाय पराठा आ चुका है वर्मा जी यहाँ पे। और भाई हमारा कैमरा सेटअप, और आप मेरे को रिफ्लेक्शन में देख सकते हो मिरर में, मिरर अभी सभी साफ करा है। तो भाई 210 किलोमीटर चलने के बाद हमने पहला ब्रेक लिया है बाहर। तो रोहित भाई कैसा लग रहा है राइड करके? इसमें दर्द हो गया? तो भाई पहली बार आया इतनी लंबी राइड पे, अभी तक तो कंफर्टेबल लग रहा है बट ठीक है यार, इतना भी कुछ दिक्कत नहीं है अभी। बाकी पहाड़ों में चलाएंगे जब पता चलेगा। मिलते रहते हैं आपसे इसी तरह बीच बीच में, और अब पहाड़ पे जाके मिलेंगे यार, बहुत देर से इंतजार कर रहा। सो भाई फाइनली ये रास्ता आ चुका है जो कि दर्शाता है भाई कि हम पहाड़ों में घुसने वाले हैं। सामने हमारी रेडर जा रही है भाई। सो फाइनली भाई पहाड़ों में हमारा स्वागत है। तो ये भाई आ गए हैं पहाड़ वाले रास्ते, तो हमारा है पहले टाइम बाइक राइड एक्सपीरियंस।
ये भाई यहाँ और ओवरटेकिंग के तो बिल्कुल भी वो नहीं करना है यहाँ पे। वाह भाई वाह, पहली चढ़ाई। एक और अच्छा रैपिड आया है, बोले तो मोड़। एक और तीव्र चढ़ाई। तो फाइनली भाई नैनीताल पहुंच चुके हैं, जहां पे मैंने एक रूम देखा था उसमें तो रूम मिला नहीं। और अब आ गए हम भाई माल रोड के साइड पर, और आप देख सकते हो भाई बिना इंजन के गाड़ी चल रही है, क्योंकि पूरा आराम से डाउनवर्ड स्लोप है, तो मैंने तो इंजन बंद कर रखा है। और भाई भीड़ जो है ना, एक नंबर भीड़ है भाई, पता नहीं आ रहा हमें होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पहले से तो करके आए नहीं। माल रोड आ गए भाई, माल रोड नैनीताल का मॉल रोड एक बार फिर। लास्ट 2021 अक्टूबर में आए थे और आई थिंक कुछ नहीं बदला है, सब कुछ ऐसे थे। इधर भाई देखोगे इधर पूरा बंद पड़ा भाई, जाम ही जाम है इधर तो। और उधर से आने के लिए भाई हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, हम आ तो गए हैं इधर। बोटिंग बहुत सारी हो रखी है, आप देख सकते हो, एक नंबर व्यू आ रहा है यहाँ से। वाह यार मेरा भाई, फाइनली आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो नैनी लेक। और भाई यहाँ का जो भीड़ का नज़ारा है ना यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा रश है। अभी तक हमें रूम नहीं मिल पाया, 4:30 बज चुके हैं, खाना पीना खा के अब ट्राई कर रहे हैं यार रूम ढूंढने की। अगर यहाँ पे रूम नहीं मिला तो भाई जाएंगे भीमताल, तो भीमताल सोच रहे हैं कि किसी ने बताया कि भीमताल में रूम मिल सकता है। तो यार काफ़ी ज़्यादा थके आ रहे हैं, सुबह 6 बजे के चले हुए हैं। और आप इधर से व्यू देखोगे भाई सारा, ये देखो भाई जितने भी देखोगे ना यार रश देखोगे आप, एक नंबर का रश है। तो जूम करके दिखाता हूँ भाई, बोटिंग ही बोटिंग आपको नज़र आएगी। और ये रोहित वर्मा ब्लॉग्स यहाँ पे बैठे हैं, और हमारा पूरा सेटअप इस बेंच पे रखा हुआ है, बाइक हमने वहाँ खड़ी करी हुई है। सो भाई अभी का सीन ऐसा है कि रूम देखना है सबसे मेन प्रायोरिटी का काम, ये है। रूम मिल जाएगा तो उसके बाद सोचेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं, क्योंकि अनप्लान्ड था सब कुछ। फाइनली भाई यहाँ से हमारा कुछ भीमताल का ये लेके भीमताल पहुँच गए हैं।
भाई ये है यहाँ का भीमताल का एंट्री चौक। ये वाला रास्ता जाता है भाई भीमताल अंदर और ये नकुची ताल अलग अलग तालों में जा रहा है। और आप देख रहे हो भाई इस टाइम पे 7 बज रहे हैं और रश देख रहे हो भाई किस तरीके का रश है, गाड़ियां ही गाड़ियां। और हम भी भाई बाइक से जाम से ही निकल के आए हैं, बहुत ज्यादा रश मिला यार, बहुत मुश्किल से हमें इतनी ऊपर जाके रूम मिला यार। और खाना पैक करा के रूम पे लेके चले जाएंगे, वहीं पे ही खाएंगे भाई। भीड़ देख लो आप यार एक नंबर की। सो भाई फाइनली डिनर भी हमारा खत्म हो चुका है और आज भाई सुबह 6:30 बजे चले थे हम गुड़गांव से और 6:40 पर भाई हमें होटल मिला, यानी कि 6:40 पर हमने बाइक छोड़ी है। मतलब बीच बीच में ब्रेक लेते रहे बट भाई सच में अलग एक्सपीरियंस, मज़ा बहुत आया बाइक चलाने में, बहुत मज़ा आया। बेशक हम घूम नहीं पाया ज़्यादा बट बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और शाम भाई रात का व्यू तो यहाँ एक नंबर का, जो रूम मिला है ना हार तक के भीमताल में रूम मिला, बट वर्थ है भाई इसका, मतलब मिलना ना काफ़ी अच्छा, वरना 4,000 रुपये में रूम नहीं मिल रहे भाई, ठीक है। और रोहित को देखो भाई अमीरों वाली फीलिंग ले रहा है भाई, पूरी रिजाई लेके वसूल करके जाएगा 2,000 रुपये। और भाई यहाँ से मून देखो भाई क्या मस्त नज़ारा है भाई, ये देखो भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है ना यहाँ से भाई, भीमताल लेक का व्यू है ये अपना। बट बाहर बहुत ज़्यादा रश है भाई। अब हमारा प्लान है हम सुबह सुबह 9 बजे से पहले पहले यहाँ से निकल जाएंगे। प्लान कर रहे हैं कि भाई नैनीताल जाने का बहुत मन है यार, मन तो मेरा चाइना पीक बोटिंग करने का है, बट वहाँ पे ट्राई करेंगे कि कैसे कैसे हमें पार्किंग मिलती है बाइक को लगा के किसी तरीके से, और फिर भाई हम करेंगे बोटिंग, सुबह में भीड़ नहीं मिलेगी। सो भाई इस ब्लॉग को एंड करता हूँ और होप करता हूँ आपको पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई वीडियो को, और मिलते हैं नैनीताल के अगले पार्ट में जो कि होगा हमारा कल, क्योंकि कल है 8 अप्रैल। सो भाई आज है 7 अप्रैल, गुड फ्राइडे, तो बहुत ज़्यादा रश था। सो बाय बाय, गुड नाइट।